हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जनरल स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके एग्जाम एयरफोर्स, रेलवे, नेवी और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? देखिए दोस्तों, कौन थी? वह नरगिस दंत थी। कौन थी? नरगिस दंत, ठीक है। और एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी नीरजा भनोट। ये कौन थी दोस्तों? ये अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला है, ठीक है। और एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी किरण बेदी। ये कौन थी दोस्तों? भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? देखिए दोस्तों, कौन थी? ऑप्शन ए बी एस रमा देवी थी, ठीक है। और एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बछेंद्री पाल। ए कौन थी दोस्तों? एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। कहां पर? एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। क्या गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी दोस्तों ऑप्शन डी सुचेता कड़ेथानकर। कौन थी? सुचेता कड़ेथानकर, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। ए कौन थी दोस्तों? ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी, ठीक है। कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, ठीक है। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार, सात प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए दोस्तों, कौन थी? वो थी बुल्ला चौधरी, ठीक है। ऑप्शन ए कौन थी? बुल्ला चौधरी थी, ठीक है। और एक ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन सी सुष्मिता सेन, ठीक है। ए कौन थी दोस्तों? मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन थी, ठीक है। क्या बनने वाली? मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन थी, ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पाँच, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए दोस्तों, कौन थी? वो रीना कौशल धर्मसक्तू, ठीक है। कौन थी? ऑप्शन बी रीना कौशल धर्मसक्तू थी, ठीक है दोस्तों। और एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी देखिए दोस्तों अमृता प्रीतम, ठीक है। क्या दिया? अमृता प्रीतम। ये कौन थी दोस्तों? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। कौन थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम थी, ठीक है। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर छः, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए दोस्तों, इनमें से कौन थी? वो ऑप्शन बी कमलजीत संधू, ठीक है। कौन थी? कमलजीत संधू थी, ठीक है दोस्तों। और एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी संतोष यादव। ये कौन थी दोस्तों? ये एवरेस्ट पर लगातार दो बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। कहाँ पर? एवरेस्ट पर लगातार दो बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सात, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए दोस्तों, कौन थी? वो भानु अथैया, ठीक है। कौन थी? भानु अथैया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। टेरेसा, ठीक है। कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए दोस्तों, कौन थी? वो कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृत कौर। ये कौन थी दोस्तों? ये भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी, ठीक है। कौन थी? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नौवां, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन थी? कौन थी दोस्तों? सुषमा चावला। कौन थी? सुषमा चावला, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? कौन थी दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन थी? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पी बंदोपाध्याय। ठीक है, पी बंदोपाध्याय हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और एक ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों लीला सेठ, ऑप्शन नंबर सी। ए कौन थी दोस्तों, ए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। क्या थी? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन दिए, उनमें से कौन थी? इनमें से पुनीत अरोड़ा थी। कौन थी? पुनीत अरोड़ा। ठीक है, और ये हमने बता दिया है तीनों ऑप्शन के बारे में पहले ही। ठीक है, तो आप जाके आगे वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पर आवा, प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन थी? देखिए दोस्तों, प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन थी? वो थी दोस्तों दुर्गा बनर्जी। कौन थी? दुर्गा बनर्जी। ठीक है दोस्तों, और एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। ये कौन थी दोस्तों? ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कौन थी? मैरी लीला राव। ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। कौन थी? मैरी लीला राव। ठीक है, कौन थी? मैरी लीला राव। क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए दोस्तों, कौन थी? अमृता प्रीतम। कौन थी? अमृता प्रीतम थी। ठीक है, और ये तीन ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन थी? वो थी ऑप्शन नंबर डी। कौन थी? मेहरा मूसा। ठीक है, कौन थी? मेहरा मूसा। और एक ऑप्शन दिया हुआ नीरजा भनोट, इनके बारे में हम तो हमने पहले बताया था, ये अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इनमें से कितने क्वेश्चन आपको सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।